वेलकम टू वेरी आज हम जिस कॉन्सेप्ट uh, को कवर कर रहे होंगे ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्योरी को देखते हैं कि हाफ किस तरह से वर्क वो वो करता है, ठीक है अगर हाफ एडर की मैं बात करूं, तो बेसिकली हाफ एडर आपके पास का जो उसका जो डायग्राम होता है या हम उसको कहते हैं कि what the block diagram of half adder is okay first you have a zorg gate or is the inputs come like and gate take it here mari two inputs a and b and then you will be getting an output of sum and carry सो दिस इज देश किस तरह से आप हाफ डिजाइन करते हैं ठीक है यह आपका जोर गेट है अगर हम इसके टूथ टेबल की बात करें कि हाउ डज द टूल ऑफ हाफ एडर अर्स तो आपके पास ए बी एस एंड कैरी अगेन ट्रूट टेबल की वही फंक्शनलिटी होती है कि आपके पास ऑन द लेफ्ट आपके पास इनपुट्स uh, आते हैं राइट हैंड साइड पे आपके पास आउटपुट आते हैं अगेन अगर ए और बी मेरे इनपुट से तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दू सो वी जीरो 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 एंड वन वन ठीक है इसके अगर हम आउटपुट नोट करें कि अगर आपके पास समा जो सिग्नल है वो किस तरह आपके सिग्नल जनरेट कर रहा होगा तो यू कैन सी कि हमारे पास सम का जो सिग्नल है वो जोर गेट का आउटपुट है तो जोर गेट की जो बेसिकली uh, जो परफॉर्मेंस uh, होती है जिस तरह से उसकी वर्किंग होती है वो ये होता है कि सेम इनपुट्स पे वो आपको आउटपुट क्या देता है जीरो देता है और आइडर चेंज इनपुट्स के ऊपर वो आपको वन आउटपुट देता है तो अगर आपके पास जीरो जीरो है बोथ द इनपुट्स आर सेम तो आपके पास जो जोर का आउटपुट होगा एस के लिए वो क्या होगा दैट विल बी ए जीरो और आपके पास जब जीरो वन है कि आइडर कोई भी एक वन होगा तो आपके पास जो जोर का आउटपुट होता है वो क्या होता है वन सो द सम विल बी वन और वन वन पे दोबारा आपके पास जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विल बी जीरो इसी तरह अगर हम कैरी सिग्नल के हमारे एंड ट्रूट टेबल की बात करते हैं तो कैरी के ऊपर आपको किस तरह का टेबल बनेगा बिकॉज आपके पास एंड है तो एंड का गेट uh, आपको पता है कि किस तरह की उसकी फंक्शनैलिटी होती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे अगर कर जीरो डॉट जीरो अगर दोनों जीरो आप आपस में एंड हो रहे हैं तो आंसर विल बी अरो जीरो वन जीरो वन जीरो वन

उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं बेसिकली हम एडर बना रहे हैं तो हाफ एडर बना रहे हैं तो हम इसको हाफ एडर के फोल्डर का नाम प्रोवाइड कर देंगे और आप उसको फिर सेलेक्ट कर लें अगेन यू हैव टू ऑथर्स हाफ एडर के फोल्डर के अंदर एक ही जैसे हमने पिछली बार दो फाइल्स बनाई थी एक डिजाइन की फाइल्स होती हैं और हमारे पास एक टेस्ट बेंच की फाइल होती है तो सबसे पहले हम फाइल बना रहे होंगे डिजाइन की सो अगेन डिजाइन डिजाइन डॉट वी विल बी फाइल

हाफ एडर के नाम से इसको डिनोट करेंगे कि the, this module the half adder. उसके बाद आपके पास जो चीज आती है that comes the port list. Port list अगर मैं बात करूँ तो आपके पास आ, हमारे हाफ एडर के डिजाइन देखी हुई है कि हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो लेफ्ट हमारे पास इनपुट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आउट होते हैं तो इनपुट्स विल बी ए एन बी एंड आउटुस विल बी एस एंड सी सो दिस आर माई पोर्ट्स तो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे कि ए कॉमा बी कॉमा एस कॉमा सी ठीक है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि अगर मजीद आपको क्लियर हो जाए सो ए बी एंड एस सी आर माई वेरिएबल्स अगेन यू हैव टू वेन जब आप मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड बी जरूर करते हैं अच्छा अगेन मॉड्यूल डिजाइन के अंदर हमारे पास जो हम मॉड्यूल्स को ब्रेकअप uh, करते हैं वो किस तरह करते हैं तो मॉड्यूल डेफिनेशन सेकेंड क्या आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ एनी इंटीरियर वायर्स अगर आप इंटरनल कुछ चीजें यूज कर रहे हैं फोर अगर आप कोई डिजाइन के अंदर कोई और मजीद डिज़ाइन यूज करें तो उसकी मॉड्यूल इनिशिएशन एंड उस अपने डिजाइन की लॉजिक ठीक है तो आपका जो डिजाइन है इस तरह कुछ पांच छह सौ में ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वी आर डिक्लेयरिंग इनपुट्स ठीक है इनपुट्स डिक्लेयर करने के लिए हम की यूज करते हैं इनपुट का और हमें पता है कि हमारे इस डिजाइन के इनपुट्स क्या क्या होंगे तो ए एंड बी विल बी माई इनपुट्स उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप्स आता है वो आता है डिक्लेयरिंग आउटपुट्स ठीक है हमें पता है कि हमारे इस मॉड्यूल के जो आउटपुट्स होंगे वो क्या होंगे तो विट यूजिंग द आउटपुट की वर्ड्स माई आउटपुट विल बी एस एन सी अच्छा उसके बाद एक वाला पार्ट आता है डिक्लेयरिंग इंटेरियम वायर्स ठीक है इसको हम अभी हम छोड़ देते हैं हम देखते हैं कि हमें इस इंटेरियम वायर्स की हमें जरूरत है या नहीं है अगर हमें जरूरत होगी तो हम यहाँ पे इंटेरियम वायर्स को डिक्लेयर करेंगे अगर जरूरत नहीं होगी तो हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे उसके बाद मॉड्यूल इनिशिएशन ठीक है ये भी वो वाला टॉपिक है कि अगर हमें अगर कोई हाफ एडर के अंदर मुझे मजीद कोई मॉड्यूल को कॉल करवाना है तो मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ लेकिन हमें अगर इसकी नीड होगी तो हम इस कॉलम को कॉलम को यूज कर रहे होंगे वरना तो हम इसको यूज नहीं कर रहे होंगे ठीक है मॉड्यूल इनिशिएशन के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास आता है लॉजिक डिजाइन कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की क्या लॉजिक होगी तो अगर आप लॉजिक उसकी बात करें लॉजिक डिजाइनिंग की तो लॉजिक डिजाइन आप किस तरह से करेंगे कि हमारे पास हमें पता है कि पिछली बार हमने जो देखा था वो अपने गेट लेवल मॉडलिंग हमने डिजाइन की थी आज हम जो डिजाइनिंग कर रहे होंगे वो हम करेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग ठीक है गेट लेवल मॉडलिंग इज वन ऑफ द बेसिक गेट मॉडल मॉडलिंग जो आप छोटे डिजाइन तक तो यूज कर सकते हैं लेकिन जब बड़े डिजाइन की बात आती है तो आप उसको यूज हम प्रीफर नहीं करते उसको यूज किया जाए क्योंकि जब डिजाइन आपके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो वो गेट लेवल मॉडलिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक वे में आपको वो डिजाइनिंग आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम मूव कर जाते हैं हमारी डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर सबसे मेन की जो होता है जो उसको डेटा फ्लो बताता है वो होता है हमारे पास असाइन की ठीक है यानी कि आपको कोई भी चीज असाइन करनी है तो हम अपने डेटा फ्लो के अंदर असाइन का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं इसकी अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि हमें क्या करना है कि मुझे पता है कि मेरा जो सी है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह की है एन गेट की फंक्शनैलिटी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि असाइन सी यानी कि मैं अपने सी वेरिएबल के ऊपर जो हमारा आउटपुट का वेरिएबल है उसके ऊपर मैं कुछ वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ अब वो मैं क्या वैल्यू असाइन करवा रहा क्या लॉजिक असाइन करवा रहा हूँ वो मैं उसके राइट हैंड साइड पे मेंशन करता हूँ उसमें यकीनन कुछ ना कुछ ए एंड बी का कोई ऑपरेशन हो रहा होगा जो मुझे उसके ऊपर असाइन करवाना है अब बात आती है कि ए एंड बी का क्या ऑपरेशन हो रहा है ठीक अगर हम अपने इस ब्लॉक डायग्राम पे दोबारा आए तो ब्लॉक डायग्राम शोज के ए एंड बी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है एंड जो आउटपुट आपका मैप होता है सी के ऊपर तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है एंड ऑपरेटर यूज करना है पिछली बार तो हमने एंड का बिल्डिंग मॉड्यूल यूज किया था अब हम यहाँ पे वेरीलॉग के कुछ बिल्डिंग ऑपरेटर्स होते हैं हम उसको यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए जो एंड का सिंबल है वेरीलॉग के अंदर वो है एंड की साइन दिस चोस के यू आर एंड परफॉर्मिंग ए एंड बी आप ए एंड बी के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको आप सी के ऊपर मैप कर रहे हैं अच्छा कुछ अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं वेरीलॉग ऑपरेटर्स तो एंड के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास एंड की साइन होती है और के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है के लिए अगर हम कोई ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैप होता है और अगर हम नॉट के लिए कोई ऑपरेटर uh, यूज कर रहे होते तो हैं उसके लिए हमारे पास ये स्मॉल वेव फॉर्म कर्ली साइन जो होता है वो हम उसको यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमें एंड ऑपरेटर यूज करना होता है था, तो हमने क्या किया है कि ए एंड बी ऑपरेटर यूज करके हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ सी की हुई है ठीक है ये तो हमने असाइन कर दिया सी के ऊपर के भाई वैल्यू ऑफ सी क्या होगी इसी तरह हमें असाइन करना है सम के ऊपर कि हमारी सम की वैल्यू जो है या जो सम का जो सिग्नल है उसके ऊपर क्या वैल्यू हमारी असाइन हो रही होगी सो वी नो के जो सम का ऑपरेशन है अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम उसके ऑपरेशन क्या है कि जब ए एंड बी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो आपके पास सम जनरेट हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि हमें अगेन ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन करवाना होगा कि जो हमें सम प्रोवाइड जनरेट करके प्रोवाइड कर दे तो वी नो कि हमें यहाँ पे क्या करना है ए जोर बी करना है अब हम अभी देख चुके हैं कि भाई एंड के लिए हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं तो जोर के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कैप का ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम यहाँ पे कैप के ऑपरेटर को यूज करेंगे विश शोज टू परफॉर्म ए जोर बी एंड देट उसका जो भी आंसर होगा वो आपके एस वेरिएबल पे या आउटपुट पोर्ट पे आके मैप हो जाएगा या उसके अंदर सेव हो जाएगा एंड सेम आपने ए एंड बी करके उसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास सी के ऊपर आपको शो हो रहा होगा ठीक सो हेयर हमने अपनी लॉजिक डिजाइन कर दी नाउस द एंड ऑफ अवर डिजाइन के हमें जिस तरह अपना मॉड्यूल डिजाइन करना था हमने एक सिंपल हाफ एडर यहाँ पे डिजाइन कर लिया है नाउ द सेकेंड पार्ट इस हमें यकीन इसकी क्या बनानी होगी एक टेस्ट बेंच ठीक है टेस्ट बेंच के अंदर जिस तरह हमने पिछली बार हमने लास्ट uh, वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम टेस्ट बेंच के फॉर्मेट को पूरा लेके चलते हैं तो इसी तरह हम यहाँ पे अपने टेस्ट बेंच को बना रहे होंगे सबसे पहले आपके पास आएगा मॉड्यूल टी Uh, test है आप भूल ना जाए uh, in हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था डयरिंग द मॉड्यूल ठीक है हमें किस मॉड्यूल को टेस्ट क्योंकि इस मॉड्यूल को जब आप डिक्लेयर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से ही आप अपने वेल्यूएबल को डिक्लेयर कर पाएंगे मुझे इसमें कौन से इनपुट मैंने और कौन से मेंशन करने हैं तो हमारे पास जो डिजाइन था वो हमारा था हाफ एडर का तो हम उस हाफ एडर को लिखेंगे कि हाफ एडर यकीनन इस वेरिएबल का नाम तो डिजाइन है टेस्ट और फिर उसके कुछ पोर्ट्स ठीक है उसके पोस्ट मुझे पता है कि वन इज ए सेकंड इज बी थर्ड इज एस फोर्थ इज सी ठीक है अच्छा इसमें देखें जैसे मैंने मॉड्यूल पोस्ट तीन रखे तो तीन के बाद मैंने कॉमा लगाया है लेकिन लास्ट वन के बाद मैंने दोबारा कॉमा नहीं लगाया सो हेर वी हैव मॉड्यूल जो हमें इसको टेस्ट करना है आप इसको देखते हुए हम अपने क्या कर रहे होंगे डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स हमें जो अपने टेस्ट बेंच के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है वो क्या करना है अगेन पिछली बार हम इसको देख चुके हैं कि हम जो इनपुट्स होते हैं वो उसको हम रेज के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं और जो हमारे आउटपुट होते हैं हम उसको वायर की की के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो केस के अंदर, half, के अंदर जो वो कौन कौन से है, B, और जो है वो हमारे पास है एस एन सी कॉमा बी एंड सी ठीक है अगर आपके पास इसमें कोई और वेरिएबल होता तो आप अगर इनपुट एक और वेरिएबल होता तो आप उसको रेज के साथ डिक्लेयर कर रहे वेरिएबल होता, होता तो आप उसको वायर के साथ डिक्लेयर कर, तो कर रहे होते हैं। नाव यकी हमें कनेक्ट करना है तो जब अगर आपने ए को इनपुट के तौर पर किया तो आप ए के साथ ए को कनेक्ट कर दें बी को इनपुट के साथ किया तो बी के साथ बी को एस को एस के साथ और सी को सी के साथ ठीक नाउ द थर्ड पार्ट कम्स थर्ड पार्ट हमारा क्या था कि हमें जब हमने मॉड्यूल डिक्लेयर कर लिया उसके बाद हमें इसके स्टिमुलस को डिक्लेयर करना है स्टिमुलस प्रोवाइड करना है ठीक है स्टिमुलस के लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं इनिशियल बिगिन इनिशियल बिगिन के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे हम सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे क्योंकि एस और सी हमें क्या करना है मॉनिटर करना है अगर इसकी थोड़ी ब्लॉक डायग्राम अगेन में आपको यहाँ पे हम बना के देख लें कि हाउ विल दैट टेस्ट बेंच विल बी वर्किंग तो अगर आपके पास दिस इज माई डिजाइन अब इस डिजाइन के मेरे पास दो इनपुट्स हैं और मेरे पास दो आउटपुट्स हैं और जो मेरी टेस्ट बेंच है वो इस तरह की ऑन टॉप लेवल बन रही होगी ठीक है तो मैं यकीन है इसको एक इनपुट input, दो इनपुट्स प्रोवाइड करूंगा जो मुझे प्रोवाइड करने हैं और मैं इनके दो आउटपुट्स को मॉनिटर कर रहा जो मुझे आउटपुट्स पे मॉनिटर करने हैं सो so, ए वैल्यू ट्रूथ टेबल के हिसाब से अगर हम दोबारा बात करें कि हाउ हमें ए ए को या तो जीरो जीरो होंगे जीरो हमें यकीन अभी हम वन बिट की टेस्ट बेंच ही बना रहे हैं तो अगेन वन बिट बाइनरी जीरो बी विल बी वन बिट बाइनरी जीरो और उसके बाद हमें डिले देना हमारा जैसे हमने पिछली बार डिले दिया था इसी तरह हम यहाँ पे भी डिले दे रहे होंगे ताकि एक इनपुट के बाद कुछ सेकंड्स का डिले आए उसके बाद हम सेकंड इनपुट्स को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो सो दिस इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस उसके बाद अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशंस की बात करें तो विल बी जीरो की बात करें तो दैट विल बी विलो और फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो दैट विल बी वन वन ठीक है दिस कम्स विद आवर एंड ऑफ द स्टिमुलस डिजाइनिंग उसके बाद एक मजीद हमें चीज डिक्लेयर करनी थी वो क्या थी कि वी हैव टू डिक्लेयर आवर के को कमांड देनी होगी कि भाई आपको इस वेरिएबल्स को दम की फाइल में दम फाइल की फॉर्म में बनाना है तो इसको क्या लेते हैं making dump file. Okay. So let's, इसकी भी syntax जो हम पिछली बार देख तो इसको इनिशियल बिगिन के अंदर स्टार्ट करेंगे ठीक है और एंड से खत्म करते हैं इनिशियल बिगिन

ऑनली डिफरेंस इज के वहां पे जब हम एंड गेट की लॉजिक डिजाइन कर रहे थे वहां पे हमारे पास सिंगल आउटपुट था अब हमारे पास यहाँ पे दो output से हम जिसको monitor कर बेंच आपको वही टर्मिनल ओपन करके यू हैव टू रन द कमांड्स सेम ही है के अगेन आप इसको जब रन करेंगे तो इस शोज इसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया लेकिन मेरा जो डिजाइन है वो हंड्रेड परसेंट परफेक्टली फाइन है अगर कोई एरर होता तो वो फिर आपको मैंशन कर रहा होता जिस तरह हम इसको पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं नाउ द कमांड इज नाउट सेवीपी ठीक है अगेन वही सेम इसने इन्फो मुझे mention, mention किया है कि फाइल ओपन फॉर आउटपुट इस शोज की मेरी जो वी सी डी फाइल है वो ओपन हो चुकी है ओपनिंग न्यू टर्मिनल एंड राइटिंग जी टी के अच्छा आप जी टी के के दूसरे कमान आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जी टी के लिखा उसके बाद आप डॉट स्पेस लगा के दम डॉट वी सी डी अगर आप लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी वी सी डी फाइल को ओपन कर देगा ठीक है आप चाहे तो जैसे हमने पिछली बार मेनुअली uh, GTK के को ओपन करके उसमें फाइल न्यू टाइप किया था वो भी कर सकते हैं या तो आप GTK wave के के बाद डॉट बैक स्लैश और अपनी वी फाइल का नाम लिखेंगे तो और उसको आप एंटर करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली आपकी दम वी फाइल ओपन करके प्रोवाइड कर देगा ठीक है इसमें देखें तो वही टेस्ट बेंच है टेस्ट बेंच के अंदर आप, आप जाएंगे तो आपके पास दट है ठीक है टेस्ट बेंच पे आप देखें हमारे पास अब यहाँ पे चार सिग्नल्स हमें शो हो रहे ठीक है तो आप इसको डबल क्लिक करके भी उसको अपेंड कर सकते हैं या आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से नीचे अपेंड का कॉलम भी कर सकते हैं या आप उसको एंड ड्रॉप भी

तो अगर आप इस टूट टेबल को अगर हम वेरीफाई कर रहे हो तो जब दोनों जीरो है तो एस और सी मेरे पास क्या होने चाहिए दोनों जीरो होने चाहिए तो अगर आप इस फॉर्म को देखें जब बोथ इनपुट्स आर जीरो तो मेरे पास एस और सी भी क्या है जीरो जीरो है उसके बाद अगर हम सेकेंड इनपुट की बात करें तो जब आपके पास जीरो एंड वन है आता है तो आपके पास सम हाई होना चाहिए और कैरी बिट जो है कैरी का जो सिग्नल है वो आपके पास क्या रहना चाहिए शुड बी रिमेन जीरो तो इसके अगर हम वेब फॉर्म पे सेकेंड इनपुट देखें तो जब मेरे पास जीरो वन का इनपुट आया है तो दिस चोज के सम का जो सिग्नल है वो वन हुआ हुआ है और कैरी का जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली एज द बिहेवियर थर्ड इनपुट की बात करें कि भाई मेरे पास अगर वन जीरो में इनपुट प्रोवाइड करता हूं तो अगेन सम शुड रिमेन वन एंड कैरी शुड रिमेन जीरो सो लेट्स सी के उसके पास हमने जब थर्ड इनपुट बिहेव किया हुआ है तो आपके पास वन जीरो प्रोवाइड किया है एज वन इज जीरो सम आपके पास अगेन कांस्टेंट वन ही रहा है विदाउट एनी चेंज और कैरी जो है वो आपके पास जीरो ही यहाँ पे शो हो रहा है लेट्स मूव टू द लास्ट इनपुट कि अगर आपके पास one, one है तो व्हेन वी हैविंग वन वन तो हमें पता है कि हमारे पास जो सम का जो आउटपुट है वो शुद्ध भी जीरो हो जाना चाहिए और कैरी का जो सिग्नल है वो आपके पास वन हो जाना चाहिए सो लेट्स मूव टू एस द लास्ट आउटपुट इनपुट कि जब हमने दोनों को वन इनपुट प्रोवाइड किया है तो दिस कि मेरी जो सम की वैल्यू है वो जीरो हो गई है और जो कैरी की जो विथ है वो मेरे पास वन हो गई है तो दिस शोज के हमने जो अपना हाफ एडर डिजाइन किया हुआ है वो एग्जैक्टली कम्प्लीटली परफेक्टली फाइन कर रहा है जिस तरह उसका बिहेवियर होना चाहिए और जो हम उसको ब्रेक कर रहे थे सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो नंबर टू आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इसी तरह आप मजीद कुछ सर्किट्स बना के अपने लेवल के ऊपर आप इसको डिजाइन करके टेस्ट कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने जैसा अभी हमने जोर गेट लगाया था आप जोर को और गेट में कन्वर्ट करके भी उसकी आप डिजाइनिंग करके टेस्टिंग कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच दिस इज एंड ऑफ द वीडियो